हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीनेटल केयर. डेफिनेशन: प्लांट एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन फॉर द ह्यूमंस फॉर फ्रॉम कंसेप्शन टिल द बर्थ. और एंटीनेटल केयर रेफर्स टू द केयर दैट इज गिवन टू एन एक्सपेक्टेड मदर फ्रॉम टाइम ऑफ कंसेप्शन इज कन्फर्म अंटिल द बिगनिंग ऑफ लेबर. मतलब क्या है इसका कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, कंसेप्शन से लेके बर्थ तक के टाइम पे प्रेग्नेंट वूमेन का सिस्टमेटिक सुपरविजन करना, एग्जामिनेशन करना, उसको एडवाइस देना, ये सब एंटीनेटल केयर कहलाता है. ठीक है, उसके बाद में इसके कुछ गोल्स हैं एंटीनेटल केयर के: टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, टू इम्प्रूव द फिजिकल मेंटल हेल्थ of a woman and children, to prevent identified and maternal and fetal abnormality that can affect pregnancy outcome, to decrease financial resources for care of mother. Then schedule of antenatal care: check up every 4 weeks up to 28 week gestation. तो 28 week gestation तक every 4 weeks पे जो checkup है वो करवाना है. उसके बाद में 36 वीक तक एवरी 2 वीक पे एंटीनेटल चेकअप होगा. उसके बाद में ईच विजिट ईच वीक अंटिल डिलीवरी. ठीक है, उसके बाद में डिलीवरी 36 वीक के बाद में हर वीक में एक बार एंटीनेटल चेकअप होगा डिलीवरी तक. उसके बाद में मोर फ्रीक्वेंट विजिट में बी रिक्वायर्ड इफ देर इज एबनॉर्मेलिटी और कॉम्प्लिकेशन और इट डेंजर साइन अराइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. उसके बाद में असेसमेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. असेसमेंट: द इनिशियल असेसमेंट इंटरव्यू कैन एस्टेब्लिश द ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डॉक्टर एंड द प्रेगनेंट वुमेन. सेकेंड, गेटिंग information about the woman's physical psychological health, obtaining a basis of anticipatory guidance for pregnancy. During the first visit, assessment and physical examination must be complete during completed including तो first visit पे क्या क्या assessment और physical examination किया जाता है, जैसे कि history लेना, उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करना, फिर लेबोरेटरी डाटा होते हैं, और फिर हेल्थ टीचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है. तो सबसे पहले हिस्ट्री: वेलकम द वुमेन एंड एंश्योर ए क्वाइट प्लेस वेयर द शी कैन एक्सप्रेस कंसर्न एंड एंग्जाइटी विदाउट बिगिन ओवरहर्ड बाय द पीपल बाय अदर पीपल. तो सबसे पहले होगी पर्सनल और सोशल हिस्ट्री. तो पर्सनल और सोशल हिस्ट्री में क्या होगा कि मदर का जो प्रेगनेंसी से पहले कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या पिल्स का यूज़ या फिर स्मोकिंग हैबिट या अल्कोहल हैबिट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री लेनी होती है, और साथ में मदर की डाइटरी हैबिट्स और बोल या ब्लैडर हैबिट्स की हिस्ट्री भी लेनी होती है. ठीक है, इसके अलावा मदर को किसी भी ड्रग या फूड से कोई एलर्जी तो नहीं है, उन सब की हिस्ट्री भी लेते हैं. देन उसके बाद में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री. तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में उससे हिस्ट्री लेते हैं मेनार्की. ठीक है, मेनार्की ऑफ एज और मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, ब्लड फ्लो. ठीक है, इस सब की हिस्ट्री लेते हैं, और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की फर्स्ट डेट की डेट नोट किया जाता है. ठीक है, जो कि LMP कहलाता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP की फर्स्ट डेट नोट की जाती है, जिससे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट की जाती है. ठीक है, और मेंस्ट्रुअल में कोई भी एबनॉर्मलिटी होने के कारण, कोई जैसे कि मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया या डिसमेनोरिया हो, तो इन सब की हिस्ट्री ली जाती है. उसके बाद में करंट प्रॉब्लम विद प्रेगनेंसी. तो करंट प्रॉब्लम जैसे कि लास्ट मेंस्ट्रुअल के दौरान अगर प्रेगनेंसी में कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको डिटेक्ट करना है. ठीक है, हिस्ट्री लेनी है हाइपरिमेसिस ग्रेविडम या हेडेक, इंसोम्निया, पेन, नोजिया, वोमिटिंग, इन सब की कंप्लेंट तो नहीं है, तो ये सब हिस्ट्री लेते हैं. उसके बाद में ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री. तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में
लेते हैं उसकी जो पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है वो देखते हैं कि जो मल्टीग्रेविडा मदर से ली जाती है ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, इसमें क्या होता है प्रीवियस प्रेगनेंसी के इवेंट्स जैसे कि लाइव बर्थ की संख्या कितनी है, ठीक है, चाइल्ड सेक्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है, बेबी की हेल्थ स्टेटस, डिलीवरी की डेट, ईयर, मेथड ऑफ डिलीवरी, ठीक है, और जस्टेशन एज, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन या फिर मदर की ग्रेविडा पैरा, तो ये सब की हिस्ट्री ली जाती है। ठीक है, तो ग्रेविडा किसको कहते हैं, जो प्रेग्नेंट कितनी बार, जो वुमेन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, और पैरा कि जिसमें प्रेग्नेंट तो हुई है वुमेन लेकिन उसमें फीटस की वायबिलिटी, ठीक है, तो कितनी मतलब फीटस जो बच्चा है वो वायबल है कि नहीं है, तो वायबल है तो उसी को ही पैरा बोलते हैं। और ग्रेविडा पैरा के अलावा अबोर्सन, न्योनेटल डेथ, ये सब की हिस्ट्री भी ली जाती है। उसके बाद में मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री, मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री में जैसे कि मदर में के आइडेंटिफिकेशन डाटा, पास्ट और प्रेजेंट मेडिकल इलनेस जैसे कि यूटीआई, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, एपिलेप्सी, कार्डियक डिजीज़, इन सब की हिस्ट्री ली जाती है। ठीक है, और कोई भी मेडिकल इलनेस के अलावा कोई पास्ट, कोई और जनरल या गायनोकोलॉजिकल सर्जरी की भी हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद में फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री में एक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई मल्टी प्रेगनेंसी, स्पाइना बाइफिडा एनीमा या थैलेसीमिया जैसी कोई हेरिडिटरी या जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, तो उन सब की हिस्ट्री भी लेते हैं। उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट टू डिटेक्ट प्रीवियसली अनडायग्नोस्ड फिजिकल प्रॉब्लम दैट मे अफेक्ट द प्रेगनेंसी आउटकम, establish baseline level that will guide the treatment of the expectant mother and fetus throughout pregnancy. उसके बाद में laboratory investigation and ultrasound. तो laboratory investigation is performed as routine test and specific test. तो इसके अंदर करते हैं कि एच बी का लेवल देखते हैं, जैसे कि ठीक है ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें एच बी लेवल देखते हैं, ए बी ओ आर एस ग्रुपिंग देखते हैं, ब्लड ग्लूकोज देखते हैं, कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है, और प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया, तो यूरिन एग्जामिनेशन में ये सब देखते हैं, और मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन देखते हैं, ठीक है, और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी को कन्फर्म किया जाता है और एस्टिमेट द जेस्टेशन एज और चेक एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, चेक द पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा, डिटेक्ट द मल्टीपल प्रेगनेंसी और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन एंड पोजीशन ऑफ द बेबी। उसके बाद में नेक्स्ट है हेल्थ टीचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हेल्थ प्रमोशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिगिन विद रिव्यूइंग, ठीक है, तो हेल्थ टीचिंग है वो इन पॉइंट्स के थ्रू हम देते हैं, जैसे कि फर्स्ट हाइजीन, स्लीपिंग, ब्रेस्ट केयर, डेंटल केयर, ड्रेसिंग, ट्रेवल, सेक्सुअल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस। फर्स्ट है हाइजीन, तो डेली ऑल ओवर वॉश इज नेसेसरी बिकॉज इट इज स्टिमुलेटिंग, रिफ्रेशिंग एंड रिलैक्सिंग। हॉट बाथ शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे मस्ट कॉज फैटिग एंड फेंटिंग। रेगुलर वॉशिंग फॉर जेनाइटल एरिया, एक्जिला, ब्रेस्ट ड्यू टू इंक्रीज डिस्चार्जेस एंड स्वेटिंग। वेजाइनल डच शुड अवॉइडेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशन एंड इन्फेक्शन। उसके बाद में है ब्रेस्ट केयर, वॉश ब्रेस्ट विद क्लीन टेप वाटर, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मसाज द ब्रेस्ट दैट इज स्टिमुलेट ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन सिक्रीशन एंड पॉसिबली लीड टू कॉन्ट्रेक्शन। Advise the mother to be mentally prepared for the breastfeeding. Dental care. The teeth should be brushed carefully in the morning and after every meal. Encourage the woman to see her dentist regularly for routine examination and cleanliness. A tooth can be extracted during pregnancy, but local anesthesia is recommended. Next, dressing. Women should avoid wearing tight cloth such as belt or constricting bands on legs because these could impact lower extremity circulation.
suggest wearing shoes with a moderate to low heel to minimize pelvic tilt and possible backache. Loose and tight cloth are most comfortable. Loose and light cloth can be most comfortable. Then, उसके बाद में है travel. Many women have question about travel during pregnancy. Early in normal pregnancy, there are no restriction. Late pregnancy travel plan should take into consideration the possibility of early labor. उसके बाद में है sexual activities. तो sexual intercourse are allowed with the moderation is absolutely safe and normal unless specific problem existence such as vaginal bleeding or rupture membrane. If woman has history of abortion, she should avoid sexual intercourse in early month of pregnancy. Next is exercise. Exercise should be simple, walking is ideally, but long period of walking should be avoided. The pregnant woman should avoid lifting heavy weight such as mattresses, furnitures, as it may lead to abortion. She should avoid long period of standing because it predisposes her to varicose vein. She should avoid getting with legs crossed because it will impede circulation. The next is purpose of exercises. To develop a good posture, to reduce constipation and insomnia, to alleviate discomfort and posture backache fatigue, to ensure good muscle tone, strength, pelvic support, to develop good breathing habit, ensure good oxygen supply to the fetus, to prevent circulatory stasis in lower extremity, promote circulation, lessen the possibility of venous thrombosis. Then next is sleeping. Sleeping, the pregnant woman should be lie down to relax or sleep for 1 to 2 hours before the afternoon. At least 8 hours sleep should be obtained every night and increase toward term because the highest level of growth hormone secretion occur at sleep. Advise women to use natural sedatives such as warm bath and glass of warm milk. Then next is diet. Daily requirement in pregnancy about 2500 calories. Women should be advised to eat more vegetable, fruit, protein, vitamin, and minimize their intake of fat. Purpose: growing fetus, maintain mother health, physical strength in labor, and successful lactation. तो कैलोरीज तो चाहिए 2500 कैलोरी पर डे, ठीक है. प्रोटीन चाहिए मदर को 60 ग्राम पर डे, फैट चाहिए 30 ग्राम पर डे, आयरन चाहिए 38 मिलीग्राम पर डे, कैल्शियम चाहिए 1000 मिलीग्राम पर डे, विटामिन ए 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, विटामिन डी 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, विटामिन बी वन थायमिन 1.5 mg पर डे, विटामिन बी टू राइबोफ्लेमिन 1.5 mg पर डे, विटामिन बी सिक्स पायरिडोक्सिन 2.5 माइक्रोग्राम पर डे, विटामिन बी 12 1 mg पर डे एंड फोलिक एसिड 1 mg पर डे एंड विटामिन सी और एस्कोर्बिक एसिड 60 mg पर डे. देन डेंजरस साइन ऑफ प्रेगनेंसी, वेजाइनल ब्लीडिंग इंक्लूडिंग स्पॉटिंग, persistent abdominal pain, severe persistent vomiting, sudden gush of fluid from vagina, absence or decreased fetal movement, severe headache, edema of leg, face, edema of hand, face, leg and feet, fever above 100 degree Fahrenheit greater than 37.7 degree Celsius, dizziness, blurred vision, double vision, painful urination. तो हमने ये देख लिया आज एंटीनेटल केयर. ओके, थैंक यू.